टैक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस GST न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनी या फिर किसी गवर्नमेंट एंटिटी को GST एक्ट के अंतर्गत अपना ऑडिट करवाना होगा। इसके लिए आप सेक्शन 35 को रेफ़र कर सकते हैं CGST एक्ट 2017, जो कि यह कहता है कि हर रजिस्टर्ड व्यक्ति जिसकी के टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है उसे GST एक्ट के अंतर्गत अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना होगा चार्टर अकाउंटेंट से या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से, और अपनी ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के साथ फाइल करनी होगी GST के कॉमन पोर्टल पर। यदि आप रूल 80 को देखते हैं CGST रूल 2017, तो वहाँ पे सब रूल 3 दिया गया है, जो क्या कहता है कि यदि किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति की एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ रुपया से ज़्यादा हो जाती है तो उसे GST एक्ट के अंतर्गत ऑडिट कराना होगा। यदि आप सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 को देखते हैं तो उसके नीचे सरकार ने एक प्रोविज़न इंसर्ट की है, जो कि यह कहती है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है जिसकी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ऑडिट की जाती हैं, तो उस केस में यह जो प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होगी, यानी कि GST एक्ट के अंतर्गत ऑडिट नहीं किया जाएगा चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा और कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा। इसी प्रकार ही यदि किसी लोकल अथॉरिटी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो उस ऑडिटर के द्वारा ऑडिट की जाती हैं जो कि किसी भी लॉ के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है, तो उस केस में भी उसे GST एक्ट के अंतर्गत ऑडिट नहीं कराना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोविज़न है वह सेंट्रल गुजन सर्विस टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा इंसर्ट की गई है, लेकिन अभी तक इसकी डेट को नोटिफाई नहीं किया गया है। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जो प्रोविज़न है वो ये कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उससे यह प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी। इस प्रकार यदि कोई गवर्नमेंट कंपनी है या फिर कोई गवर्नमेंट एंटिटी है तो उसके लिए ये जो ऑडिट की लिमिट है वो अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है वो डिपार्टमेंट लिखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। इसके अलावा आप कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 139 को भी रेफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे के सब सेक्शन 5 दिया गया है, जो कि यह कहता है कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में या फिर वह कंपनी जहाँ पे के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और पार्टली एक या फिर एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उस केस में CAG के द्वारा ऑडिटर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। लेकिन GST एक्ट में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं दी गई है कि जो कंपनीज एक्ट की प्रोविज़न है वो GST के अंदर अप्लाई होंगी। यदि आप GST के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर GST के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सिल की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक के इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।